वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं डॉक्टर सईद बिंदर्द हूँ, बारकत बैतुलमाल का एक मेंबर हूँ। माशाल्लाह हमारे साथ बारकत बैतुलमाल की पूरी टीम है, 19 मेंबर की पूरी टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जो पैंडेमिक जो चला हमारे पास कोविड-19 का, हमारे पास नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जो है ये वबा फैली हुई थी। ऐसी वबा में लोग आपस में एक दूसरे को देखना और करीब जाना पसंद नहीं करेंगे। उस वबा में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इदारा है जिसका नाम बारकत बैतुलमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बढ़ चढ़कर बहुत अच्छे अंदाज में सामने आया है। खासकर हमारी एक टीम है पूरी, जहाँ पर जो है पूरे कई तरह की सर्विस दिए। फॉर एग्जांपल जो है लोगों के पास हॉस्पिटल के अंदर उनको बेड्स दिलाना, उनके वो ICU में एडमिट कराना, उनको जो है वेंटिलेटर वगैरह दिलाना करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारा हमारा ताउन था। बारकस का हर एक मेंबर, बारकस बैतुलमाल का हर एक मेंबर उसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सारी मेहनत करें, खासकर जो है लोग परेशान थे पैसों के ताल्लुक से, उसमें भी जो है हमारा बारकस बैतुलमाल का बहुत ज़्यादा ताउन था। लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज पे बिलों के से परेशान थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हम जाकर जो है हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करके उसमें भी बिल्स कम कराए, लोगों का उसमें भी फ़ायदा कराए। खासकर बारकस के लोगों का, और बारकस के नहीं बल्कि अतराफ़ के जो लोग हमको तलब करें, हमारी मदद तलब करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा को एक ज़रिया बनाया और हम लोग जो है उनका काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ जो लोगों जो कोविड-19 पेशेंट से जो घर पे आने के, वह क्वारंटाइन होने के लिए या आइसोलेट होने के लिए 14 डेज का जो रेस्ट रहता है, बेड रेस्ट रहता है पेशेंट्स का, उस टाइम पे भी हम लोग जो है लोगों को बहुत ज़्यादा होम सर्विस दिए। खासकर आइसोलेशन पेशेंट्स को क्वारंटाइन करने के बाद एग्जाम्पल्स उनको ग्लूकोस लगाना, इंजेक्शंस लगाना, उन लोगों को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर हाउ टू यूज़ कैसा करना और उनका ऑक्सीमीटर कैसा इस्तेमाल करना, पूरा उनको मॉनिटरिंग करना, उनके घर वालों को जो है एडवाइस देना, उनको घर के लोगों को समझाना पूरा, यह सब, यहाँ तक कि नेबुलाइजर मशीन्स वगैरह का यूज़ करना, उसमें डोजेस कैसा देना, मेडिसिन कैसे लेना, कब कैसे मेडिसिन लेना और इसकी डोसोलॉजी कैसी रहना, कब कब मेडिसिन यूज़ करना, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें जो है बारकस बैतुलमाल आगे बढ़ चढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया और लोगों का कहीं फ़ायदा करा। इवन यहाँ तक कि हमारे पास जो है इंतकाल होने के बाद लोगों के लिए जो है डेड बॉडी फ्रीज़र भी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर्विस देते हैं, यहाँ तक कि ऑटो का किराया भी नहीं लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे टाइम भी पैंडमिक में भी कहीं से हादसे हुए जो बारकस बैतुलमाल इसमें बढ़ चढ़ कर अपने खुद ज़ाती तरीके से जो है ये पैंडमिक में इस्तेमाल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को सहूलत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी भाइयों से गुजारिश है बारकस बैतुलमाल के लिए दुआ कीजिए, और उसके साथ साथ हम जो है पूरा 4 से 6 महीने पूरे बारकस एरिया को और अतराफ़ के एरियो में सैनिटाइज करें मशीन से, माशाल्लाह डिसइंफेक्टन दवा लगा के, खासकर दुकानों पर, मेडिकल्स में, बाज़ारों में, घरों पर और इवन मस्जिदों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताउन रहा। आप सबसे गुजारिश है बारकस बैतुलमाल के हक में दुआ कीजिए, अल्लाह पाक जो है बारकस बैतुलमाल के मेंबर्स को जो है इस काम के लिए चुन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग दुआ भी कीजिए इंशाल्लाह, और अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, ताउन की भी दरख्वास्त इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। बिस्मिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं महमूद अवलगी, नायब सदर बारकस बैतुलमाल, और मेरे साथ सदर बारकस बैतुलमाल मोहम्मद बाकरा साहब, ट्रेजरर सालिम बिन शमलान साहब, बारकस बैतुलमाल के मेंबर जनाब फैसल अवलगी साहब, जनाब ईसा अवलगी साहब, हबीब हुसैन बिन जमल्लेल साहब, फयाज खान साहब, और भी जो हमारे 18 मेंबर की जो टीम है, और मेरे साथ डॉक्टर सईद बिंदरदम साहब, और तमाम हमारे 18 मेंबर्स की जो है टीम है, अभी किसी वजूहत से जो है कुछ बिजी है। आज का जो प्रोग्राम है इसकी बलखसूस वजह ये है, हमारे बस्ती के नौजवान शख्सियत जनाब फहाद बगदादी साहब, उनके साथ हमारे अफजल भाई और हमारे हुसैन भाई, ये हमारे बारकस बैतुलमाल के हर वक्त जो है बेस्ट सपोर्टर रहे हैं। आज जो गुलपोशी किया गया उसका जो मकसद ये है, गुज़िश्ता 4 से 5 महीने से लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस की जो हालत, कोविड-19 की जो हालत थी, एक नहुसत हमारे पास जो फैली हुई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए बारकस बैतुलमाल की जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया था। ये ऑक्सीजन सिलेंडर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इदारा है जामा मस्जिद बारकस के पास, बारकस बैतुलमाल, फिर वहाँ से बारकस हो या सलाला हो, चंद्रायन गुट्टा हो या हीरा गुंडा हो या मुमताज़ बाग हो या जमाल बंडा हो, अतराफ़ के जो भी हमारे बस्तियां हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज हम लोग बारकस के अफराद
बारकस बैतुल माल को आए हैं इस वास्ते कि हम लोग बारकस बैतुल माल के पिछले दिनों में जो पेंडेमिक में जो कोरोना वायरस जब यानी जब तेज़ी से जब चल रहा था, अमवात हो रहे थे, तो हम लोग बारकस बैतुल माल को उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हुए हैं। उनके शुक्रगुजार हैं हम लोग कि वो लोग जिस तरीके से वालहाना जो खिदमत अंजाम दिए हैं, यानी हम लोग नहीं भूलने वाली खिदमत अंजाम दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जो है ना, उस वक्त पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर का काम जो करे हैं बारकस बैतुल माल वाले, बारकस और अतराफ अकनाफ के दीगर बस्तियां जो है ना भूल नहीं सकते। बग़ैर मजहब व मिल्लत जो है ना लोगों को जो है ना ऑक्सीजन सिलेंडर जो यानी जो सप्लाई करे हैं, जो खिदमत अंजाम दिए घर घर फिर कर, और उस वक्त पे आप जानते हैं कि हालात इस तरीके से थे कि लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने अहलो अयाल को छोड़ के भाग रहे थे। तो उस दौरान में घरों पे जाके जो मुतासिर थे वबा के ज़रिए, उनके घरों पे जाके सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना, हम मीटर सेट करके तमाम चीज़ समझा के करके बारकस बैतुल माल के जो ज़िम्मेदार हैं, अराकीन हैं, तमाम लोग जो है ना दिन और रात जो है ना खिदमत अंजाम दिए। हम लोग नहीं भूल सकते बारकस बैतुल माल की जो खिदमत थी। और माशाल्लाह बारकस बैतुल माल ये एक काम नहीं कर रहा, पिछले यानी 4 साल से ज़ायद हो गए बारकस बैतुल माल की खिदमत हम गिनाने जाएँ तो माशाल्लाह सबसे बेहतरीन खिदमत और भी है कि माशाल्लाह खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो हाँ टेस्ट करा था मोहम्मद, सेमी कैसा था उसको? साढ़े दस से मगर राशन अपना काम है Thank you.